नमस्ते भाई, शिवतंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र, आपके अपने परिवार का सदस्य, अपने परिवार के लिए कुछ वो डेफिनेटली जानकारी लेने के लिए आया हूँ और आपको देने के लिए आया हूँ कि जिससे आप मुझे जान जाएं और मैं आपको जान जाऊँ, आप समझ जाएं कि हाँ कहीं कुछ अभी छुपा पड़ा है जो आज आपके सामने निकल रहा है। मुझे साउंड स्कैनिंग आवाज़ जो हुई उसको मैं प्रस्तुत आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, सुनते रहिए। और 11 अप्रैल 2020 को हमारे चैनल को चले 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो हमारा चैनल गरीबों के लिए भोजन, वस्त्र, व्यवस्था और मेडिसिन कर रहा है इस समय पर। उसमें जो योगदान देना चाहते हैं, जो हमारे चैनल से प्रेम रखते हैं, हमसे न रखिए कोई दिक्कत नहीं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो अगर 100-100 रुपये भी देंगे तो मैं ज़्यादा नहीं 10 से 15 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लूँगा गरीबों की, झोंपड़ पट्टी वालों के लिए, आधार कार्ड उज्ज्वला वालों के लिए, वोटर कार्ड वालों के लिए तो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं, उनको इंतजार सिर्फ इस चेहरे का रहता है कि ये आएगा तो कुछ देगा, बाकी डिपेंड आप पे करता है, आपका कर्म आपके साथ और मेरा मेरे साथ। लेकिन 11 अप्रैल तक ये पता लग जाएगा कितने लोग हमें चाहते हैं, कितने कितने लोग सहायता करते हैं। 3 से 4 बार जो सहायता किया वो उनमें चुनिंदा गिने ही लोग हैं मेरे खास, जिनका मैं खास हूँ, जो बेचारे कुछ न कुछ सहायता करते हैं। लेकिन बाकी 23.5 लाख व्यूवर्स हैं, 20,400 सब्सक्राइबर्स हैं आज तक, ये सब बेकार है। तो चलिए सबसे पहले तो ये बता दूं कि कलयुग कब आया था, और इसे बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 1720 में महामारी फैली थी हल्ला बोल। वैसे सृष्टि बनी थी तो सृष्टि में जब कलयुग आया था, कलयुग को आने जब 20वां वर्ष था तब भी महामारी नहीं कह सकते उसको, देवताओं का युद्ध आपस में हो गया था, सब कुछ विखंडन हो गया था। 1720 में फैली, 1820 में, 1920 में और अब 2020 में, तो 20 ही क्यों, हर 100 साल बाद ही महामारी क्यों? इसका एक कारण बता देता हूँ आपके लिए, जो मुझे आवाज़ मेरी पितृ शक्तियों ने और भोलेनाथ के द्वारा प्राप्त हुई वो आज पब्लिक सिटी में फॉलो कर रहा हूँ। और हाँ, आज तक नहीं कहा लेकिन आज कह रहा हूँ आपको भोलेनाथ की तरफ से, अपनी शक्तियों की तरफ से, कि जितना हो सके शेयर करिए, हर मनुष्य के दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि ये ऐसा क्यों होता है, तो 100 वर्ष आने से पहले सावधान हो जाया करें हमारी गवर्नमेंट और हमारे यहाँ के जो भी मनुष्य प्राणी हैं, क्योंकि हम अगले 100 वर्ष पर नहीं रहेंगे, उससे पहले ये खबर फैल जानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि कलयुग भाद्रपद में आया था, यानी भादों के महीने में, कृष्ण पक्ष में आया था, अंधेरा पाक था, 13 तिथि थी। अब 13 तिथि को आपस में जोड़िए तो 3 और 1 4 हो गया, 4 रिक्ता तिथि है, चौथ चौदस चौथ रिक्ता तिथि है, उसका आंशिक ये है और दिन रविवार था, यानी सूर्य का दिन है। तो हर किसी मनुष्य में कलयुग में गर्मी बहुत है, चाहे हो कुछ ना लेकिन फट जाएगा। सत्युग में नहीं था, त्रेपा में नहीं था, बड़ी मर्यादाएं थी, लोग अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का आदर सम्मान करते थे, सुनते थे, लेकिन कलयुग में नहीं, बेटा बाप की नहीं सुनता। चलिए ये विषय आगे का, तो सूर्य रविवार के कारण हर प्रत्येक को बहुत ज़्यादा प्रेशर आउट करता रहता है। तीसरा अश्लेषा नक्षत्र था, जिसके बारे में बताऊंगा फिर कहीं भी, बहुत लंबा मैटर है ये। 27 नक्षत्र और 28वां अभिजित नक्षत्र भी आता है, जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया था, बहुत शुभ सूचक है, कहीं कहीं अशुभ भी है। इसका आने का जो समय था वो अंधेरी रात में, कृष्ण पक्ष में, रात को 12 बजे के बाद 2 बजे कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था सृष्टि में। तो जहां जहां 2 का अंक लगता रहेगा वहां वहां प्रलयकारी महामारी आती रहेगी, जैसे 1720, 1820, 1920, 2020, अब 2120 में डेफिनेटली होगा, आप नोट कर लीजिएगा। 1720 में जो महामारी फैली पूरे विश्व में वो फ्लैग नाम की फैली, 1820 में कॉलेरा फैला, 1920 में स्पेनिश फ्लू फैला, और अब 2020 में चल रहा है कोरोना।
मैं आपको बता दूं, हर 100 साल के बाद ये 20 का अंक बैठता है। जो लास्ट का डिजिट है उसे 2 को 0 में जोड़ो तो 2 ही रहेगा। और 2 बजे कलयुग आया था, वो उसका पसंदीदा है। कलयुग काल से कांटेक्ट रखता है, जो मैंने बताया भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता काल हैं और माता प्रकृति है। तो काल का 1.25 लाख जीवों का भोजन डेली का होता, अकाल मृत्युओं का, जो एक्सीडेंटल हैं, सुसाइड्स हैं, जो भी तरीके हैं अकाल मृत्यु के, जिसमें गरुड़ पुराण बताया जाता है, सारा कुछ आप समझ में आ जाएगा, कभी सुनिएगा हमारे द्वारा। अब जब 1.25 लाख जीव डेली का भोजन है और कुछ लोग, अब बहुत सब हैं, तो उतना उनका प्रकोप नहीं हो पाता और ना उनको भोजन मिल पाता, तो हर 100 साल के बाद जो 100 साल तक का निचोड़ होता है, वो महामारी के रूप में अपना भक्षण काल नाम की शक्ति करती है। ये डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग सुनने के बाद उनके बात सिर से ऊपर चली जाएगी। तो मैं एक वादा भी करता हूँ कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र या गुरु मंत्र या अपने पितरों का मंत्र या किसी भी इष्ट का मंत्र जिसे आप जानते हैं और मानते हैं, 3 घंटे 35 मिनट डेली जपिए, 108 दिन तक आपको यही आवाज़ें आने लगेंगी जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन सच्चे अच्छे गुरु की गाइडलाइंस की ज़रूरत है। मैं कोई अलग नहीं, आप हैं वो मैं हूँ। और हाँ, आपको कसम है, मैंने आज तक कभी नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूँ, इतना शेयर कर देना इस वीडियो को कि 2020 तो हो रहा है, 2120 जब आए तो हमारे यहाँ का जो राजा हो और प्रजा हो, वो पहले ही सावधान हो कि महामारी आएगी, और आएगी ही, ये बता दिया गया है। ये मेरी भविष्यवाणी आज से ही है। ओम नमः शिवाय।